ही गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा पिछला हेयर कट का वीडियो आप सभी लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था और बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट थी कि आप एक और हेयर कट का वीडियो लेकर आए, जिस हेयर कट को हम घर पे भी आसानी से कर सकें और ख़ुद से भी कर सकें। तो जी हाँ, आप सभी के रिक्वेस्ट पर आज ये वीडियो जो है ना मैं एडिट कर रही हूँ। यू शेप का एक सिंपल सा कटिंग जो है ना वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं बालों की लेंथ जो है ना वो कुछ इतनी है, मतलब बहुत कम भी नहीं है और बहुत ज़्यादा भी नहीं है। हल्का सा पानी डालकर जो है ना बालों को कंघी कर लेंगे और एकदम से बालों को स्ट्रेट कर लेंगे और उसके बाद एक साइड से बालों को थोड़ा थोड़ा सा करके यू शेप में लाने की कोशिश करेंगे। ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको बालों की लेंथ एकदम से कम नहीं करनी है, मतलब कि अगर आप थोड़े से शॉर्ट हेयर चाहते हैं यू शेप में तो आप बिल्कुल एग्जैक्ट जो है ना लेंथ वो कम ना करें, क्योंकि अगर आप एकदम से लेंथ को कम कर देंगे तो फिर क्या होगा कि फिर जब आप बालों को सेट करते जाएंगे तो कस्टमर को या आपको खुद को जितना हेयर का लेंथ चाहिए उससे कम ही हो जाएगा, है ना। तो हमें उतना ही कम करना है जितना कि हम सेट करते करते हम आसानी से उसको एक अच्छा सा शेप दे पाएँ और फाइनल जब तक हम पहुँचें तब तक हमारा जो लेंथ है वो ज़्यादा कम भी ना हो, मतलब जितना हम चाहते हैं उतना हो। तो इस तरीके से एक बार हेयर को कट कर लेंगे, उसके बाद जो है ना एक दो बार अच्छे से कंघी करके दोबारा से भी देखेंगे कि कुछ एक्स्ट्रा हेयर्स तो बाहर नहीं आ रहे हैं और आगे के हेयर्स का कुछ स्टाइल, कुछ जिस तरीके का आपको चाहिए वो थोड़ा सा डिफरेंट भी आप कर सकते हैं। चाहे तो वो एक नॉर्मल कट के तौर पे कर सकते हैं या फिर चाहे तो आप लेज़र कट या फिर काफ़ी अलग अलग तरीके के कट होते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हो ये रहा हमारा यू शेप वाला कट, और इसमें अगर वी शेप वाला होता है तो हमें और भी ज़्यादा इसमें डीप काम करना होता है। साइड के निकले हुए बालों को कंघी कर कर के हमें एकदम से निकालना है ताकि जो भी एक्स्ट्रा हमारे हेयर हैं जो हमें बाद में कॉम करने के बाद निकले हुए दिखाई देते हैं वो हमारे बाद में ना दिखाई दे। सो आप यहाँ पर देख सकते हो बालों की लेंथ जो है ना वो बहुत ही कम कम हुई है और हमारी एक अच्छी सी शेप भी जो है ना बालों की आ गई है। अब बात आती है फ्रंट के हेयर को हमें किस तरीके से स्टाइल करना है, तो ये टोटली डिपेंड करता है कस्टमर के ऊपर और या तो फिर आपके चेहरे पर कौन से स्टाइल सूट करता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो बालों की थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी लेकर और हमने उसको इस तरीके से जो है ना ऊपर से नीचे की तरफ कैंची से इसको कट किया है। सो आप देख सकते हो यहाँ पर एक बार में ही कितना सुंदर सा हेयर कट, मतलब हमारे लेयर्स कितने सुंदर से आ रहे हैं और फेस पे जो है ना काफ़ी ज़्यादा सूट भी कर रहा है। ये जो है ना ये मेरी फ्रेंड है सोनिया, जिसका हेयर कटिंग का वीडियो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ और इनका जो है ना बहुत ही प्यारा हेयर कट हुआ है। और हेयर कट के बाद जो है ना एक दो दिन के बाद आपके फेस पर एकदम से अच्छे से हेयर सेट हो पाते हैं। सो अगर एकदम से अगर आपको लगता है कि एकदम से स्टाइल हो जाए तो नहीं होता है। और ये जो है ना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस ये कटिंग रखता है कि हमें थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का सा कट कर देना है ताकि बालों को एकदम से एक वॉल्यूम मिल जाए और देखने में सुंदर लगे, है ना। तो दोनों साइड के बालों को इस तरीके से कॉम्ब करते हुए, कॉम्ब हमें बहुत ही अच्छे से करना है और उसके बाद से हल्के हल्के बारीक बारीक से इसमें कट लगाने हैं ताकि जब ये आपके फेस पर ऊपर से आए ना तो एकदम से अच्छी सी लेयर्स बनकर आए। सो आप देख सकते हो बहुत ही कम समय में यू शेप का बहुत ही सुंदर सा हेयर कट तैयार हो गया है। आप इसको अपने हाथों से घर पर भी ट्राई कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब